तस्वीरें जो है चर्चाएं का विषय बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां गौरव दिवस का महोत्सव आज से ही शुरू हो रहा है। लेकिन कल भोपाल का गौरव दिवस यहां मनाया जाना है, समारोह का भव्य आयोजन यहां पर। भोपाल गौरव मैराथन को भी हरी झंडी आज सीएम दिखाने वाले हैं। बोट क्लब वीआईपी रोड और पीर गेट की ओर ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा, इसकी वजह से आज शाम को गौरव यात्रा भी यहां पर निकाली जानी है। सुबह 8 बजे बड़ी झील में वाटर कार्निवल शुरू होने जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर शुरू हो गया होगा कि 8 बजे का समय हो चुका है और मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की जानकारी, क्योंकि मैराथन को हरी झंडी आज सीएम ही यहां पर दिखाएंगे। वीआईपी रोड का ये नजारा आप देखिए, खूबसूरत तस्वीरें, और लगातार हर भोपालवासी इसको लेकर काफी उत्साहित। ज्यादा जानकारी लेंगे और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, किस तरह का माहौल नजर आता है गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर और आयोजन में क्या कुछ होना है आगे? देखिए, गौरव दिवस, भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है और उसी को लेकर आज भोपाल में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। गौरव दौड़ इसको नाम दिया गया, जिसमें 10,000 के करीब जो है लोग शामिल हुए। भोपाल का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसको जानने के लिए भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज ही शाम को भोपाल गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राजा भोज और रानी कमलापति जो है घोड़े पर सवार होकर शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे और इसके जरिए भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 1 तारीख को बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान में मनोज मुंतशिर का कार्यक्रम होगा, श्रेया घोषाल शामिल होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 2 दिन भोपाल के गौरव दिवस को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन होना है। आज और कल भोपाल की सभी सरकारी इमारतों को लाइटिंग से रोशन किया जाएगा, तो भोपाल अपना गौरव दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ही देर पहले भोपाल की गौरव दौड़ को हरी झंडी दिखाई थी और उसके बाद हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस दौड़ में शामिल हुए थे। भोपाल के वीआईपी रोड राजा भोज की प्रतिमा से लेकर बोट क्लब तक की ये दौड़ हुई और ये दौड़ अभी खत्म हुई है और इसमें जो विजेता है उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। तो 2 दिन भोपाल का गौरव दिवस के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी चर्चा के लिए। तो देखना होगा किस तरह की तस्वीरें राजधानी से इस बार सामने आती हैं। बहुत अब आगे बढ़ते हुए हरदा की ओर हम लोग करेंगे, जहां नौसर गांव में कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई, कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए हैं। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। टिमरनी थाना पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। सुबह 7 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर किस तरह की तस्वीरें ये आप देखिए, कार ने भीषण आग पकड़ ली। नौसर गांव में कार पेड़ से टकरा गई और उसके बाद वाहन में भीषण आग लगी, जिसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी, कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। सुबह 7 बजे के करीब की ये घटना, तस्वीरें निश्चित तौर पर चिंताजनक, और बड़ी बात यह भी कि 4 लोग इस वाहन में सवार थे। पेड़ से कार टकराई लेकिन किसी को भी उतरने का मौका नहीं मिला, अचानक से आग लग गई और 4 लोग जो इसमें सवार थे जिंदा जल गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो फिलहाल मृतकों की पहचान संभव नहीं हो पाई, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई। जैसे ही राहगीरों ने इस बारे में सूचना दी कि कार जलती हुई नजर आई है, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। क्या कुछ वजह रही इस पूरी दुर्घटना के पीछे, अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और क्या परिस्थितियां रही कि 4 लोग जो इस कार में सवार थे समय रहते मौके पर बाहर नहीं आ सके कार से, इन परिस्थितियों को लेकर भी पुलिस अब जांच करेगी। 7 बजे के करीब की घटना सुबह की, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे बुरी खबर यही कि 4 लोग इस कार में सवार थे और 4 की ही जलकर मृत्यु हो गई है। तो हरदा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नौसर गांव में कार पेड़ से टकराई, टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी और कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अधिकारी हालांकि पहुंचे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि परिवारों से संपर्क किया जा सके, किसकी कार है ये पता लगाया जा सके। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर लगातार तैनात। सुबह 7 बजे के करीब की घटना, उसे लेकर तफ्तीश में भी पुलिस जुटी हुई, राहगीरों से भी पूछताछ की कोशिश, क्या लापरवाही वश कार ड्राइव की जा रही थी या क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे, ये पता लगाने की भी कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन परिस्थितियां क्या रही, एक बड़ा सवाल, क्योंकि 4 लोग जो इस कार में सवार थे आखिर क्यों
समय रहते कार से बाहर नहीं आ सके। सही की प्रवीण इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रवीण, किस वक्त हुआ यह हादसा और फिलहाल क्या परिस्थिति है वहां पर? जी, ये जो पूरी घटना है ये बहुत दुखद घटना है। ये लगभग सुबह 7 बजे के लगभग की बात ये बताई जा रही है। ये जो गाड़ी है ये करताना की ओर से आ रही थी और नौसर पोखरनी जो रोड है उसके पास ये गाड़ी जो है वहाँ पेड़ से टकराई और उसके बाद इसमें अचानक से विस्फोट हुआ और आग लग गई। क्योंकि वहाँ जो ग्रामीण थे उनके अनुसार ये बात है कि इसमें से जो लोग है वो उतर नहीं पाए। जब आग बुझी और पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें से 4 लोग जो थे वो जिंदा उसमें जल गए थे। पुलिस फिलहाल इन लोगों की पहचान की कोशिश कर रही है। क्योंकि कार जो है इंदौर पासिंग है तो उसी के आधार पर जो है पुलिस उन लोगों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कार में आग लग गई थी, वहाँ जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने देखा भी। हालांकि एक बड़ी घटना थी, लोग उसमें से लोगों को बचा सकते थे लेकिन किसी ने भी इस बात का प्रयास नहीं किया और ये लोग जिंदा जल गए। जी, प्रत्यक्षदर्शी क्या कार के बारे में कुछ और बता पा रहे हैं प्रवीण, के क्या तेज रफ्तार में थी या लापरवाही वश ड्राइव की जा रही थी? चूंकि सुबह सुबह की घटना है तो लोगों ने इस प्रकार से देखा नहीं कि ये, लेकिन बस इतना जरूर बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है काफी तेज गति से जो है पेड़ से टकराई थी और उसके बाद इसमें अचानक आग लगी। लेकिन जो प्रथम सूचना भी अभी भी हमारे पास आ रही है, ये गाड़ी जो है ग्राम बरकला चारखेड़ा के पास की बताई जा रही है और ये चारों लोग वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं हादसा जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ, बिल्कुल समय नहीं मिला लोगों को कार से उतरने का, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी लगातार बता रहे हैं। हमारे सहयोगी भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि बिल्कुल समय नहीं था, विस्फोट हुआ अचानक से और अचानक से आग लग गई। हालांकि राहगीर वहां पर मौजूद थे, अगर कोशिश की जाती तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बनी कि अचानक से विस्फोट और आग लगी और चारों लोग जिंदा जलकर मर गए। और अब सारंगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में एक शख्स की मौत हो चुकी है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 बेटों को हिरासत में फिलहाल लिया है। कौसर गांव थाना क्षेत्र के पूरे ये घटना है, ग्राम पंचायत कौसर का ये पूरा मामला। बस्तर क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर मृतक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही विवाद की स्थिति बनी मारपीट तक की बात पहुंची। तस्वीरें आप देखिए मारपीट की भी, एक शिक्षक की मौत हो गई है इलाज के दौरान। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, दीवार खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे विवाद की स्थिति बनी, मारपीट तक बात पहुंची। शिक्षक जिससे बुरी तरह से मारा गया, इलाज के दौरान इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल आरोपी और उसके 2 बेटे पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ उनसे की जा रही है, सख्त कार्रवाई की भी तैयारी। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, आखिर विवाद क्या रहा यह भी पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। सारंगढ़ का यह पूरा मामला है, मारपीट में एक शख्स की जान चली गई है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने आरोपी और उसके 2 बेटों को हिरासत में लिया है। कोसिर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसिर का पूरा मामला।